तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर, मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जैसे कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल का इवेंट कितना लंबा होगा, मतलब कि इसकी लेंथ और टाइमिंग क्या होगी, समोआ जो को स्मैकडाउन लाइव में क्यों ड्राफ्ट किया गया, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक फ्यूड जो कि सोशल मीडिया पर बन चुकी है, और इसी के साथ साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों रोमन रेंस फिर से आ सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। तो फिर चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समोआ जो के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को इसके बारे में पता है कि समोआ जो अब स्मैकडाउन लाइव में ड्राफ्ट हो चुके हैं, जबकि पहले वो मंडे नाइट रॉ का हिस्सा थे और रेड ब्रांड में रहकर वो काफी सारी अच्छी स्टोरी लाइन्स में काम कर सकते थे, जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन, फिन बैलर, बॉबी लैसले, बॉबी रूड, इन सभी के साथ समोआ जो को अच्छे से यूज किया जा सकता था, पर फिर भी उन्हें क्यों ड्राफ्ट किया गया। तो अब शायद इसके पीछे का रीजन सामने आ चुका है कि समोआ जो को स्मैकडाउन लाइव में क्यों भेजा गया। बताया जा रहा है कि समोआ जो को स्मैकडाउन लाइव में इसलिए भेजा गया ताकि उन्हें और रोमन रेंस को अलग अलग रखा जा सके, क्योंकि WWE समोआ जो को अच्छे से पुश करना चाहती है और शायद WWE के हिसाब से मंडे नाइट रॉ में समोआ जो रोमन रेंस के सामने उतने अच्छे से यूज नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए WWE ने इस चीज को अवॉइड करते हुए समोआ जो को स्मैकडाउन लाइव में ही भेज दिया, जहां उन्हें काफी अच्छे से यूज किया जा सकेगा और शायद वो जल्द ही WWE चैंपियन भी बन जाएंगे। अभी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के लेंथ के बारे में। तो यार बताया जा रहा है कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल इवेंट की कुल टाइमिंग 5 घंटे की हो सकती है, यानी कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 5 घंटे की लंबाई तक चल सकता है। अब इस शो का लंबा होना तो बनता है क्योंकि इसमें कुछ कमाल के मैचेस तो हैं ही, ऊपर से WWE ने फर्स्ट और 50 मैन रॉयल रंबल मैच भी बुक किया है, तो इतना बड़ा रॉयल रंबल मैच टाइम तो लेगा ही। अब इस 5 घंटे में प्री शो भी इंक्लूडेड हो सकता है, इसके बारे में पर मुझे पता नहीं है, पर मेरे ख्याल से 1 घंटे का प्री शो भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल इंडिया में कब टेलीकास्ट होगा, तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर होने वाले मैचेस की बात करें तो जो जो मैचेस हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम से इसके बारे में रूमर सामने आ रहे हैं कि WWE में जल्दी वुमेन्स के लिए भी टैग टीम टाइटल्स आ सकते हैं, और इसके बारे में स्मैकडाउन लाइव की GM यानी कि पेज ने भी बताया कि वो भी ऐसा चाहती हैं कि WWE में वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स लाया जाए, तो जल्दी हमें ये टाइटल्स WWE में देखने को मिल सकते हैं। भले ही ये टाइटल्स अभी WWE में ना हो, पर शायद निकी बेला इसके लिए फाइट करने के लिए अभी से एक्साइटेड हो चुकी हैं, क्योंकि निकी बेला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके पेज को कहा कि मैं और मेरी सिस्टर ब्री बेला इसके लिए रिंग में फाइट करना कितना पसंद करेंगी, और इसके बाद उन्होंने इनडायरेक्टली आइकॉनिक को भी मेंशन किया, और इसके ऊपर आइकॉनिक यानी कि बिली के और पेटन रॉयस का क्या रिएक्शन था वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यार बताना कि अगर वुमेन्स के लिए टैग टीम टाइटल आता है तो क्या आप उसके लिए इन दोनों टीम्स को लड़ते हुए देखना पसंद करोगे या नहीं। खैर अभी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में होने वाले स्टील केज मैच के बारे में, जहां रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे का सामना करेंगे, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इससे पहले रेसलमेनिया 34 में ये दोनों भिड़ चुके हैं, जहां पर ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हरा दिया था, पर इस बार इन दोनों में से कौन जीतने वाला है ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रूमर्स के अकॉर्डिंग तो यहां पर रोमन रेंस की जीत होने वाली है, पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के ब्रैंड एल्वरेस का ये मानना है कि रोमन रेंस इस बार फिर से ब्रॉक लेसनर से हार जाएंगे। इसके पीछे का रीजन बताते हुए ब्रायन एल्वरेज ने बताया कि इस बार जो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल का इवेंट होने वाला है उसकी टाइमिंग काफी अलग होने वाली है, मतलब कि इंडिया में तो ये रात को होने वाला है जहां हम लोग इसे आराम से देख पाएंगे, पर अमेरिका वगैरह में जब ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल लाइव होगा तो दोपहर के करीब 12 बज रहे होंगे, और ऐसे में फ्राइडे के दिन वहां के लोग शायद ही इस शो को देख पाएंगे, क्योंकि लोगों को अपने अपने काम पर जाना होगा, और ऐसा तो है नहीं कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल को देखने के लिए सभी छुट्टी लेकर ही बैठ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो वहां के लोगों में से काफी कम ही लोग ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल को लाइव देख पाएंगे, तो इसलिए ब्रायन का ऐसा मानना है कि रोमन रेंस हार जाएंगे, क्योंकि WWE ऐसा नहीं चाहेगी कि रोमन रेंस उस टाइम जीते जबकि उनका शो कोई देख ही नहीं रहा हो। पर अभी भी आपको बता दूं कि रूमर्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं। तो यार आपको क्या लगता है, रूमर्स और बेटिंग ऑड्स की बात सही होगी या फिर ब्रायन एल्वरेस की बातें सही होगी, मतलब कि कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंस, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यार ये थी आज की इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट्स, अभी के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही न्यूज और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।